वेलकम बैक टू YouTube चैनल द थर्स्टी वाइफ। दिस इज अंकुश और कैमरे के साथ है अभिषेक, उसको ड्यूटी भी आज रिकॉर्ड करने की। तो ये महीना चल रहा है नवरात्रों का, तो हैप्पी नवरात्रे सबको। तो हमारी ग्राम पंचायत पट्टा जाटिया में रामलीला हर साल मनाई जाती है, तो वो हम सोच रहे हैं कि शूट करें और जो रामलीला में होता है वो सबको पहुंचाया जाए। तो रामलीला क्लब के मेंबर कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ राहुल जी को, जो राम जी की भूमिका निभा रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं इस कमेटी के बारे में, क्या क्या होने जा रहा है और क्या इन्होंने रामायण से सीखा है। तो राहुल जी बताइए। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और जैसे कि अंकुश भाई ने बताया कि हमारे यहाँ छोटे से गांव में रामलीला का आयोजन किया जाता है हर साल। इस साल अभी 39 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, अब 40वां वर्ष शुरू हो चुका है। मैं इस रामलीला में राम जी की भूमिका निभा रहा था। बहुत अच्छे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रामायण है वो त्रेता युग में स्टार्ट हुई थी। अब आपको उसके बारे में बताते हैं कि जो भगवान विष्णु थे उनके दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। एक सप्तऋषि वहाँ पे आते हैं, वो भगवान विष्णु जी से मिलना चाहते हैं लेकिन वो दो द्वारपाल उनको मिलने नहीं देते। तो वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु जो आराम कर रहे हैं आप कभी किसी और दिन मिल लेना, निद्रालीन थे। तो उन्होंने मिलने नहीं दिया, उन्होंने उनका उपहास किया, उन्होंने मजाक उड़ाया उस ऋषि का। तो उन्होंने उनको श्राप दी, आप अपने भगवान से या तो 7 युग में दूर रहोगे या 3 युग में। 3 युग में कैसे कि आप दुष्कर्म करके दूर रहोगे और 7 युग में अच्छे कर्म करके। तो उन्होंने 3 युग चुन लिए दुष्कर्म करके। तो पहला सतयुग में उन्होंने हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा त्रेता युग में रावण के रूप में, तीसरा द्वापर युग में कंस के रूप। तो जो त्रेता युग आपको बता ही दिया कि त्रेता युग रावण के रूप में, तो वहां से रामायण स्टार्ट होती है। त्रेता युग में राक्षसों ने असुरों ने बहुत ही आतंक मचा रखा था। तो भगवान विष्णु के पास देवता आते हैं, वो बोलते हैं भगवान हमें बचाइए, आप ही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज महाराजा दशरथ जी को चुना कि हम इनके कुल में जन्म लेंगे। तो वहां से रामायण स्टार्ट होती है। फिर ताड़का वध होता है, वो सामने आप देख सकते हो, वो आग जली हुई है। विश्वामित्र जी को राक्षस लोग बहुत ही तंग करते हैं, तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आते हैं। वो उनको बोलते हैं कि राम लक्ष्मण को हमारे पास भेजिए, हर तरह की शस्त्र विद्या जानते हैं। तो उन्होंने ताड़का का वध किया। मिथिलापुरी से एक पत्र आता है राजा जनक जी से। फिर वहाँ पे स्वयंवर में अनेक राजा आए होते हैं, तो कहीं उसे धनुष नहीं उठाया जाता वहाँ। पे स्वयं रावण भी आया होता है वहाँ पे, रावण से भी धनुष नहीं उठाया जाता। शिव की कैलाश नगरी भी अपने ही हाथों से उठाई थी, फिर
छिप कर धनुष है, यह तो मेरे लिए तिनके के समान है। जनक बहुत भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारे पूर्वज देवव्रत के पास छिप धनुष था, किंतु इसको पिता करने के लिए तुम तो तैयार हो जाओ। मैं तो इसकी प्रशंसा कराऊंगा और सीता को अकेले जाऊंगा। वैसे भी ये भगवान शिव का धनुष भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के पास ही रहना चाहिए। पता नहीं भगवान शिव ने ये मुझे क्यों नहीं दिया, किंतु मैं अभी भूल को सुधारूंगा। तो मैं इस धनुष का चिला चढ़ाकर तुम्हारी इस कन्या को अवश्य दूंगा। आया नहीं गया उससे, फिर राम भगवान जी को उनके गुरु जी ने आज्ञा दी, आप जाइए, क्षत्रिय धर्म निभाइए, आप जाइए और धनुष को उठाइए। तो राम जाओ बेटा जाओ। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, लेकर तेरा आसरा। हे ईश्वर, भरी सभा में राखियो मेरी लाज। शिव भगत सबसे बड़े परशुराम जो वहाँ पे आते हैं उनको क्रोधित होकर आते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, वो मेरे शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, वो बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जब उनको पता लगता है कि स्वयं भगवान विष्णु जो राम के अवतार में उनके सामने खड़े हैं, तो उनको जब आभास होता है तो वो बोलते हैं, नहीं प्रभु, आप ही थे जो ये काम कर सकते थे। फिर उसके बाद वनवास होता है। वनवास कैसे होता है कि जो मंथरा होती है वो कई के मतलब वो फूट डाल देती है, जो बोलते हैं हम फूट डालना, बहका देती है उसको कि भरत को राज तिलक मिलना चाहिए, राम को नहीं मिलना चाहिए, तेरा पुत्र राम का दास बन के रह जाएगा। पर उनको वनवास मिलता है। जब वनवास मिलता है तो राम जी कई आज्ञा देती है उनको कि आपको 14 साल का वनवास दिया जाता है। बोलते हैं कि इतनी सी बात, सिर्फ 14 साल का वनवास, छोटा सा तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करना क्षत्रिय धर्म है, तो मैं वहाँ ये 14 साल का वनवास स्वीकार करता हूँ। जब वो जाने लगते हैं तो सीता माता जी जो होती हैं बोलते हैं, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके अलावा हाँ पत्नी धर्म है, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ, मुझे राजपाट क्या मिलेगा। तो वो जब लक्ष्मण जी होते हैं वो भी बोलते हैं, भैया मैं आपके साथ चलूंगा, जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ मैं हूँ, क्योंकि वो भी शेषनाग का अवतार है। जहाँ जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ वहाँ शेषनाग के साथ। तो ऐसे ऐसे उनका वनवास होता है। वनवास में फिर कई घटनाएं होती हैं। अच्छा, इसमें एक घटना है जो बहुत प्रसिद्ध है। बोला जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे वो 14 सालों तक नहीं सोए थे, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम जी और माता सीता की सेवा करनी थी और वनों में उनकी रक्षा करनी थी। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो उनके हिस्से की निद्रा थी वो किसको दी गई? तो उस घटना के बारे में आप हमें और हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताइए। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से कहा था कि जो मेरे हिस्से की निद्रा है मेरी धर्म पत्नी को दे दी जाए, उर्मिला। तो उनके हिस्से की निद्रा थी वो उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी, फिर उनकी जगह 14 साल दिन रात सोई रही। हाँ, उनके बिल्कुल सोई रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर रूपनगर आती है। हाँ, बनवास में ये भी एक बहुत, यहाँ से रामायण मुख मोड़ लेती है, मतलब चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। वैसे तो हंसी कटी सारे साल कट रहे थे, ऑलमोस्ट 13 साल कट हो चुके थे। स्वरूप नगा आती है, वो मानव जो भगवान श्री राम का मानव रूप था लक्ष्मण जी को देख के मोहित हो जाती, तो वो वहाँ पे आती है। तो वो उनसे प्रार्थना करती है कि आप मेरे स्वामी बन जाइए, पहले लक्ष्मण जी से फिर राम जी से। थोड़ा हंसी मजाक होता है उनमें। पिताजी के हुकुम से इन वनों में भ्रमण करने आए हैं। ये लक्ष्मण जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और ये सीता जी हमारी धर्म पत्नी भी साथ आई हैं। मेरा नाम राम है, कहिए आपको हमारे से कुछ काम है? यदि अनचित ना समझें तो आप भी अपने निवास स्थान का बता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। यहाँ के लिहाज से मुझे स्वरूप
लगा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबियत न आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत अजमाई। आप मुझे पहली बार मौका। फिर यहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने सुरूप लगा की जगह में दिल में जगह बनाई। कुमारी ये पहेली मेरे समझ में नहीं आई। अभी नहीं आई, थोड़ी देर में आई। देखने में तो बढ़िया कलमंड हो मगर हो बुरे सुधाई। अजी आप मेरे खाबे तो मैं और आपकी लगाई। वहाँ से स्वरूप नगा रावण के पास जाती है अपने भाई के पास। तो वो एक बात को मसाला लगा के बोलना, हाँ, वो उसकी कला थी। वो उसकी कला थी, जो हुआ था उसको और मसाला लगाया उसने, हाँ। और रावण के पास रख दिया। जब रावण ने सीता के बारे में सुना तो वो अचंभित हो गया कि सीता भी वहाँ पे है, क्योंकि हाँ। वो स्वयंवर में गया था, वो वहाँ पे सोचता है। फिर वो ये भी सोचता है कि मेरी बहन का अपमान हुआ है, हाँ, तो बदले की भावना भी बदले की भावना वहाँ थी। तो वो जाता है मरीच के पास। मरीच मरीच मेरे बहादुर मरीच, आइए महाराज, मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? शाबाश, रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और सुंदरिया की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू जरा साहस करे तुझको तो बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। वो सोचता है कि यहाँ नहीं गया तो भी मरूंगा, वहाँ गया तो भी मरूंगा, दो दिन ज्यादा जी के मरूंगा, दो दिन ज्यादा जी के मरूंगा। तो क्या होता है कि वो ले जाता है उसको, तो वो एक सुंदर हिरण का रूप आपको पता ही है, और रावण अपने असली रूप में आके उनको उठा के ले जाता है। तुम यहाँ होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लेकर आवाज लगाई है। किसकी किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। तुम्हें मालूम नहीं किसके अंदर क्या पोशीदा राज है। इस कुटिया से बाहर अपने कदम ना करना। फिर वहाँ से खोज, सीता जी की खोज स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे तो यहाँ से रामायण का ट्विस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं वानर सेना। वानर सेना तो वो लड़ाई जो उनको बताते हैं कि आप सुग्रीव जी किष्कंधा में उनके पास सहायता लेने के लिए जाइए, वहाँ पे वानर सेना। वहाँ से हमारे आते हैं हनुमान जी। फिर सुग्रीव जी भी परेशान थे अपने भाई से, हाँ, बाली बाली से। भगवान राम उनकी मदद करते हैं। महाराज बाली की उस रोज के बाद बिल्कुल गायब बन गया है। मालूम होता है कि
थी, तुमने उससे मुझे रिश्वत खाई है। भाई साहब आज जरा बाहर आइए, मैं आज भी जा लेता हूँ और रोज रोज का झगड़ा समाप्त करता हूँ। अरे सगाई मालूम होता है तू पिछली बार को भूल गया, क्यों आज तेरी खोपड़ी फिर गुजराई। बाहर आइए और मुझसे युद्ध कीजिए। बाली उनको बताता है कि 6 महीने तक रावण को अपनी काख में रखा था, इधर घुमा के फिरते रहे वो, वहां से बाली को मार दिया था। फिर सुग्रीव जी भगवान राम की मदद करते हैं, फिर वहां से लंका की चढ़ाई होती है। पहले हनुमान जी को भेजा जाता है लंका कि सीता जी का पता लगाइए, तो हनुमान जी वहां पे जाते हैं, सीता जी से मिलते हैं, वहां पे फिर बहुत कुछ होता है, वहां पे वो अशोक वाटिका को गाड़ते हैं। मैं रामचंद्र जी का एक उच्च सेवक और मेरा नाम हनुमान है, परंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है, इसकी पहचान कीजिए और धनी प्रकार से इत्मीनान दीजिए। आज्ञा हो तो क्या मैं ये फल तोड़ कर खा सकता हूँ? सिंगर मेरा काफी धुलाई मचा के आते हुए हैं। हाँ वो तो बोलते हैं कि रावण को अपने ज्ञान का घमंड कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत मेरे पास कई अस्त्र शस्त्र हैं, तू कौन होता है मेरे को शिक्षा देने वाला, तुझ सा बानर। तो हनुमान जी एक अच्छा सा उपदेश देते हैं कि रावण अच्छी शिक्षा जहाँ से मिले अभी भी समय है तेरे पास, तू राम जी के पास चला जा, वो तुझे क्षमा कर देंगे और ये युद्ध टल जाएगा। लेकिन वो मानता नहीं, अपने घमंड में होता है, तो वो हनुमान जी वापस जाते हैं। फिर श्रीलंका की चढ़ाई शुरू होती है, पूरी वानर सेना जब आती है समुद्र में, जब वानर सेना आती है तो वो पहले पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर डूब जाता है। पहले तो उनको इतना विशाल सागर देख के हौसला सब टूट जाता है,
तो फिर जब उन्होंने एक तरकीब निकाली कि पत्थर पे राम लिखा जाए, नल नील ने जब राम लिखते हैं तो वो पत्थर ऊपर आके तैरने लगता है, तो वहां से वो पुल बनने की शुरुआत होती है। फिर लंका जाते हैं, वो अंगद को भेजा जाता है, लास्ट रामदूत था जो शांति पत्र लेके गया था, शांति दूत के रूप में अंगद को भेजा जाता है। तो अंगद वहां पे जाते हैं तो वो फिर रावण को समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं मानता, उसका भी निरादर किया जाता है, उसका भी निरादर स्टार्ट हो जाता है। जब युद्ध स्टार्ट होता है तो अनेक मतलब सेनाओं के सैनिक मारे जाते हैं, बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं। तो उसके बाद रावण का वध होता है और उसी के साथ को राजलीला लंका का फिर वैसे खत्म हो जाती है, जो रामायण वो अयोध्या वापस आ जाता है, अयोध्या वापस आ जाती है, फिर वहाँ पे राम भगवान का राजलीला होता है। तो राहुल जी से वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने काफी कुछ बताया रामायण के बारे में और इस हमदर्द रामलीला क्लब पट्टा जाटिया। अब हम अपने इंटरव्यू को मोड़ते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे रामलीला क्लब पट्टा जाटिया की तरफ, तो जिनका नाम है संजय धीमान, तो आइए उनसे वार्तालाप की जाए। जय श्री राम, सभी को भगवान श्री राम जी की असीम कृपा प्राप्त हो। ये क्लब 1984 से हमारे बड़े भाइयों ने चलाया था, हमारे आदरणीय अंकल ठाकुर ज्ञान सिंह हमदर जी, आजकल वो स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने जहाँ लगभग 1997 से लगातार, आज 2022 है तो 25 साल तो मेरे को हो गए हैं जो एक्टिव होके काम करके, 14 साल मैंने यहाँ दशरथ का रोल किया। और मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि जो बच्चों के अंदर अनुशासन आया है और नशों से दूर हैं, आप मेरे पड़ोसी गाँव में देख लीजिए, कहाँ से एक एक डेढ़ दो किलोमीटर 5-10 लोग चिट्टा खाते होंगे, स्मैक पीते हैं, कोई चर्स पीते हैं, कोई शराब पीते हैं, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी कोई नशा नहीं करते और आदर्श बच्चे बन रहे हैं। ये हमारी इस स्टेज की बहुत खासियत है। और एक सबसे बड़े बात ये बता देता हूँ कि हमारे जब पहली बार जहाँ रामलीला शुरू हुई 1984 में, तो हमारे दो बड़े भाई, एक तिलक जी हैं और दूसरे सुभाष जी, उनको साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन हुए। इतनी पवित्र ये स्टेज है कि पवन पुत्र हनुमान जी, और जब भी उनको दर्शन हुए तो वो दोनों ही ऐसे बेहोश हो गए कि सच में उन्हें कोई उठा के ले गया। और वो आज भी चिन्ह हम जहाँ जाते हैं तो वो हम उस चिन्ह पे माथा टेकते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी के जहाँ पे दर्शन हुए। ये बहुत पवित्र स्टेज है, बहुत पवित्र स्टेज है। एक बात और, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं, सिर्फ लोगों का योगदान है। कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है, लेकिन आप देख लेंगे कि बड़ी बड़ी स्टेजेस फेल हो गई। आप देखिए कोरोना में बहुत सारी स्टेजेस बंद हो गई, वो बोलते हैं कि हमारा खर्चा नहीं पूरा होता, लेकिन हम किसी भी प्रकार का अपनी जेब से नहीं डाल रहे, ये लोग ही हैं जो हमें 100, 50, 200 रुपये दे के, बच्चे कड़ी मेहनत करके इस स्टेज को चला रहे हैं। और 39 वर्ष पूरे हो गए और आज 40वां वर्ष शुरू हुआ है, तो हम 40वें वर्ष में भी इसे और ज़्यादा बढ़िया तरीके से रामलीला को आयोजित करेंगे। जय श्री राम। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मार दिया यहाँ पे बंदा।